नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आई है कि करणी सेना सीएम योगी से नाराज हो गई है और कह रही है कि अगर इसी तरह से उनका सम्मान हुआ, उनका सम्मान नहीं किया गया, तो फिर चुनाव में खामियाजा योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। चलिए आपको मामला बताते हैं। दरअसल मामला सम्राट मीर भोज को लेकर है। जी हाँ, मीर भोज की प्रतिमा का लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं दादरी, लेकिन विवाद यहाँ पर करणी सेना और गुर्जर समाज के बीच में है। गुर्जर समाज का कहना है कि सम्राट मीर भोज उनके नेता हैं, उनका इतिहास अगर देखा जाए तो वह गुर्जर थे, लेकिन वहीं करणी सेना का कहना है कि वह एक क्षत्रिय थे और क्षत्रिय को गुर्जर समाज अपना बता रहा है। इसी वाद विवाद को लेकर राजनीतिक अटकलें यहाँ पर गर्म हो गई हैं, माहौल गर्म हो गया है। करणी सेना के अध्यक्ष को भी नज़रबंद कर दिया गया है, लेकिन करणी सेना के सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ से कह रहे हैं कि अगर ये नहीं किया गया, अगर सम्राट मीर भोज को क्षत्रिय नेता नहीं बोला गया, तो फिर ये आंदोलन भी हो सकता है और 2022 में बीजेपी को इसका भुगतान करना पड़ सकता है। चलिए विस्तार से पूरी खबर बताते हैं कि इस मुद्दे पर क्या अटकलें चल रही हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हर अपडेट हम आप तक जल्द से जल्द लेके आ सकें। सम्राट मीर भोज के वंशज होने का राजपूत और गुर्जरों के बीच बना गतिरोध अब मंगलवार को भी नहीं थमा। ऐसे में विवादों के बीच आज मुख्यमंत्री प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मंगलवार को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने प्रेस वार्ता की तो करणी सेना के कार्यकर्ता घोड़ी गाँव में पंचायत करने जा पहुँचे। दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष में दावे किए और दूसरे के दावे को खारिज किया। करणी सेना ने प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम का विरोध करने की चेतावनी दी है। कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर घोड़ी गांव में भी पहुंच गए। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई। करणी सेना की बैठक के कारण सुबह से ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घोड़ी गांव में करणी सेना के प्रदेश सचिव सचिन चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्राइमरी स्कूल के सभा स्थल पर पहुंचे तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को घुसने नहीं दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने गांव के मुख्य गेट पर सभा की। करणी सेना के प्रदेश सचिव चौहान ने कहा, सम्राट मीर भोज प्रतिहार थे, हमारे क्षत्रिय महापुरुष को गुर्जर अपना बताने चाहते हैं। करणी सेना ऐसा नहीं होने देगी। राजपूतों की आवाज को दबाने वाले को सबक सिखाया जाएगा। राज्य सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। करणी सेना के अध्यक्ष को प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है। प्रशासन के तानाशाही रवैये को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनीतिक दलों की सभाओं के लिए रोकथाम नहीं है और करणी सेना आवाज को बुलंद कर रही है तो प्रशासन कोरोना का पाठ पढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री के दादरी आगमन पर विरोध किया जाएगा। सभा स्थल पर पहुंचकर विरोध करने की रणनीति तैयार की गई है। अगर प्रदेश अध्यक्ष करण ठाकुर को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में करणी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाएंगे। करण ठाकुर को पुलिस के एक अक्षर पुलिस चौकी में नजरबंद किया गया है। सम्राट मीर भोज के गुर्जर होने का यह किया दावा अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने स्वर्ण नगरी स्थित प्रेस क्लब में सम्राट मीर भोज के गुर्जर होने का दावा किया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर, राजस्थान से आए डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर आचार्य धीरेन्द्र विक्रम, JP महाशय, गौरव तंबर, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र बैंसला ने महासभा में अपने दावे किए। संगठन के पदाधिकारियों ने राजस्थान समेत दूसरे स्थानों पर लगी शिलाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन राजाओं से मीर भोज की लड़ाई हुई थी, उन्होंने भी उनको गुर्जर शब्द से उल्लेखित किया है। दिल्ली, उत्तराखंड समेत अनेक स्थानों पर मुख्यमंत्रियों ने जांच करके ही मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब मुख्यमंत्री योगी भी जानकारी के बाद ही दादरी में अनावरण करने आ रहे हैं। कुछ लोग बिना जानकारी के विरोध कर रहे हैं। महापुरुष सभी के हैं। दादरी की मीर भोज कॉलेज की स्थापना 72 साल पहले हुई थी। उस दौरान विरोध करने वाले पैदा भी नहीं हुए थे। इतिहास का अध्ययन करने पर सही से जानकारी होगी। कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ के लिए विरोध कर रहे हैं। बता दें कि इसी दौरान जेवर टोल प्लाजा पर संदीप सिंह को रोक लिया गया। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नज़रबंद किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दोपहर के बाद लखनऊ से घोड़ी गाँव जाते समय करणी सेना के पूर्वांचल अध्यक्ष संदीप सिंह को जेवर टोल प्लाजा पर पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोक लिया। उन्होंने कहा कि वे घोड़ी गाँव जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। जब तक दिल्ली में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी की नज़रबंदी खत्म की जाएगी,
वे यहीं जमे रहेंगे। यदि आलाकमान का आदेश धरना या प्रदर्शन का होगा तो उसका अमल किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर ज्योत्सना, उपाध्यक्ष ध्रुव सिंह समेत 10 लोग भी मौजूद थे।